केसरी न्यूज पर स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को दीजिए शुभकामना संदेश। आज ही बुक कीजिए अपना विज्ञापन। विज्ञापन पर 25% की छूट। संपर्क कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। प्रवेश प्रारंभ सरस्वती शिशु विद्या मंदिर सिरमौर। विद्या भारती द्वारा हरियाली अमावस्या पर किया गया वृक्षारोपण। पेड़ हमारे परिवार के सदस्य बने हरीश शर्मा। विद्या भारती मध्य भारत भावरा और देवरस सेवा न्यास भोपाल द्वारा जनजाति क्षेत्र में शिक्षा एवं सामाजिक सरोकार के कार्य संचालित होते हैं। सरस्वती संस्कार केंद्र जिला रायसेन के माध्यम से हरियाली अमावस्या पर ग्राम घाना गद्दुआ नारायणपुर चैनपुर में प्रत्येक घरों में आम के पौधे लगाए गए। हरीश शर्मा सचिव भावराव देवरस सेवा न्यास भोपाल। विकास श्रीवास्तव रूपेश सिंह ठाकुर रूप सिंह लोहान प्रांत प्रकल्प प्रमुख विद्या भारती जनजाति क्षेत्र की शिक्षा उपस्थित रहे। हरीश शर्मा ने कोरोना जैसे महामारी ने सबसे ज्यादा नुकसान शहरों में किया उसका मात्र एक कारण है प्रदूषण। ग्रामों में नुकसान कम हुआ जिसका एकमात्र कारण वृक्षारोपण है। हम अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण करें, उसे एक बच्चे की तरह पाले। किंतु वर्तमान समय में गांव शहर पर आधारित हो गए हैं। विद्या भारती शिक्षा के साथ ही सामाजिक सरोकार के कार्य भी करती है। इसी श्रृंखला में गांव-गांव में फलदार पौधे लगाना, हर घर में अन्नपूर्णा मंडपम, किचन गार्डन, प्लास्टिक मुक्त, स्वच्छ ग्राम, जल संरक्षण, घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में, वर्षा उपरांत गांव की नदी पर बोरी बंधान के कार्य करना, रसायन मुक्त जैविक कृषि करना एवं गांव को स्वावलंबी बनाने की दिशा में घर में उपयोगी हर वस्तु गांव में तैयार करना, इस तरह के सामाजिक एवं आध्यात्मिक जागरण के कार्य विद्या भारती करती है। आज हम अपने घरों में आम के पौधे लगा रहे हैं। ये पौधे अपने परिवार के सदस्य बने। हम अगर इनकी 5 वर्ष सेवा करेंगे तो निश्चित ही ये हमें शुद्ध ऑक्सीजन व हमें फल देंगे। आज ग्रामीण क्षेत्र में इस कोरोना महामारी का प्रभाव कम देखने को मिला क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष होने से शुद्ध ऑक्सीजन मिलती रही जिससे कम बीमार हुए हैं। हम सबको वैक्सीन अवश्य लगवानी चाहिए जो हमारी बीमारी का सुरक्षा कवच है। श्री रूप सिंह लोहान ने कहा, आज विद्या भारती ने रायसेन जिले में हमारे गांव का चयन किया है। आम के पौधे की पूर्ण रूप से देख रेख करके उसे बड़ा करें एवं विद्या भारती सामाजिक सरोकार के कार्य कर रही है उसमें हम सभी मिलकर सहयोगी बने। बच्चों को अभी स्कूल नहीं खुल रहे इसलिए इनको घर पर ही बैठा कर पढ़ाने की योजना करना चाहिए। ग्राम के हनुमत ठाकुर, हाकम सिंह ठाकुर, नृपत ठाकुर, पप्पू ठाकुर, रविंद्र यादव, अच्छेलाल, रामदयाल, जगमोहन, गोविंद, हीरालाल, रामगोपाल ठाकुर ने गांव की ओर से पौधों के संरक्षण के लिए विद्या भारती पदाधिकारियों को आश्वस्त किया। हम सभी ग्रामवासी पौधों को एक बच्चे की तरह पालन करें। कार्यक्रम में कैलाश ठाकुर सरपंच, द्वारका प्रसाद राठौर समिति सदस्य, राकेश उइके सरपंच, कमलेश उइके, प्रेमनारायण राय, श्रीराम कुशवाहा जिला प्रमुख, वीरेंद्र सिंह यादव प्रधानाचार्य, नरेंद्र राजपूत संकुल प्रमुख, विमलेश काकोड़िया संकुल प्रमुख, राम सिंह लोधी उप संकुल प्रमुख, रामकुमार उप संकुल प्रमुख, राजाराम उप संकुल प्रमुख, ब्रजेश यादव उप संकुल प्रमुख उपस्थित रहे। केसरी न्यूज पर स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को दीजिए शुभकामना संदेश। आज ही बुक कीजिए अपना विज्ञापन। विज्ञापन पर 25% की छूट। संपर्क कीजिए हमारे।